साल 2013 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ धार्मिक सीरियल महाभारत तो आपने देखा ही होगा, जिसमें अभिनेता सौरभ राज जैन भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाते हुए नजर आए थे, जहां इन्होंने कृष्ण के किरदार को काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। जहां सीरियल में इनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और इनका किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि दर्शक आज भी इस सीरियल को देखना खूब पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, दर्शक तो सौरभ राज जैन की एक्टिंग की तारीफें करते हुए थकते नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज साल 2023 अभिनेता सौरभ राज जैन कहां है और किस हाल में है? शायद ही जानते होंगे, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेता सौरभ राज जैन के आज के हालातों से रूबरू कराएंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महाभारत सीरियल में अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाले अभिनेता सौरभ राज जैन का जन्म 1 दिसंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से कंप्लीट की। लेकिन अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो बता दें, इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2004 में आए सीरियल रिमिक्स से की थी, जिसमें उन्होंने अमनदीप की भूमिका निभाई। इनकी एक्टिंग स्किल्स को काफी ज्यादा सराहा गया, तभी तो इन्हें इस सीरियल के बाद कसम से और जय श्री कृष्ण जैसे कई सीरियल में देखा गया। साथ ही इन्होंने कर्मा जैसी कई फिल्में भी दी हैं। लेकिन अगर बात करें इनके आज की तो आपको बता दें, इन्होंने आज अपनी 36 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। बता दें, जहां इन्हें सीरियल में धोती और साफा पहनने के साथ साथ माथे पर मुकुट और तिलक लगाने के साथ ही हाथ में और गले में ढेर सारे सोने के माला पहने हुए काफी गुड लुकिंग नजर आए थे, तो वहीं अब ये सिंपल शर्ट पैंट और जीन्स टी शर्ट को कैरी करके काफी ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग नजर आते हैं। वहीं बता दें, आखिरी बार इन्हें खतरों के खिलाड़ी के सीजन 11 में देखा गया था और इस शो में आने के बाद ये कई छोटे मोटे शोज में नजर आए, पर फिलहाल ये अपनी पत्नी रिद्धिमा जैन और अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आप अभिनेता सौरभ राज जैन के आज के हालातों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।